हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम। और आज के लेक्चर में हम सीजी बोर्ड की क्लास सिक्स की बुक हिस्ट्री का सेवेंथ चैप्टर देखेंगे, द मौर्यन डायनेस्टी एंड अशोका। तो इनका टाइम पीरियड था 322 बीसी से लेकिन 185 बीसी तक। तो मौर्यन डायनेस्टी के बारे में हमने इससे पहले वाला जो चैप्टर पे थोड़ा सा देखा था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने देखा था। और यहाँ पे उनके जो है पर उनके पोते थे अशोक, ठीक है, उनके बारे में हमको देखना है। तो अशोक के बारे में तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, किंग अशोक के बारे में। तो किंग अशोक के बारे में अगर नहीं सुना है तो जो ट्राइकलर फ्लैग है, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, उसमें जो बीच में स्पाइक्स है, ठीक है, वो इनकी ही देन है। जो बीच में जो ब्लू कलर का जो चक्र है वो किंग अशोक की ही देन है। वो अशोक का एक स्ट्रक्चर उन्होंने बनवाया था, वहां से ही लिया गया है। तो आगे हम उसको देखेंगे चैप्टर में। तो यू मस्ट हैव सीन अवर नेशनल फ्लैग। तो नेशनल फ्लैग तो आप सभी ने देखा है। द चक्र बिटवीन द सैफ्रन व्हाइट एंड ग्रीन स्ट्राइप्स लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। तो जो चक्र है ना, जो चक्र है जो सैफ्रन और ग्रीन स्ट्राइप्स के बीच में है ना, तो वो जो चक्र है, ठीक है, जो व्हाइट कलर का जो पार्ट है उसमें जो बीच में जो चक्र होता है, ठीक है, उसमें बहुत ही सुंदर दिखता है। तो वो जो चक्र कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? दिस चक्र इज टेकन फ्रॉम सारनाथ पिलर विच वॉज बिल्ट बाय अशोक मौर्य डायनेस्टी। तो ये जो सारनाथ पिलर है, ठीक है, इस तरीके का है। इसमें चार जो आपको लायन दिख रहे हैं, चार है पीछे तरफ और है, ठीक है, और नीचे में बुल और हॉर्स वगैरह की आकृति बनी है। और ये बीच में इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको हमारे नेशनल फ्लैग में लिया गया है। तो यूजुअली वी फाइंड दैट इन हिस्ट्री इंपॉर्टेंस इज गिवन टू दोस रूलर्स हु गिव हु हैव वन वन ग्रेट बैटल। तो हम यूजुअली, मतलब अक्सर क्या होता है, हम हमारे जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो हम उसी उन्हीं राजाओं को इंपॉर्टेंस देते हैं, उनको मुख्यता देते हैं, उन रूलर्स को जिन्होंने क्या है बैटल्स लड़ाइयाँ जीती है। बट अशोक वॉज डिफरेंट। अशोक जो है किंग अशोक क्या थोड़ा सा डिफरेंट थे, अलग थे। ही वॉन द हार्ट ऑफ पीपल बाई टेकिंग अ रिलीजियस पाथ। लेकिन जो किंग अशोक थे वो लोगों के उन्होंने लोगों के दिल में कैसे जगह बनाई, उन्होंने क्या है रिलीजियस पाथ अपनाया जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। इसी के कारण जो किंग अशोक है उनको बहुत ज्यादा माना जाता है। ही रूल्ड ऑन द बेसिस ऑफ लव सिंपैथी एंड कंपैशन। तो वो किस तरीके से रूल करते थे, राज्य करते थे प्रेम के में और सबके प्रति क्या है सिंपैथी, ठीक है, सिंपैथी का मतलब सबके प्रति मतलब एक दया की भावना, और ये भी कंपैशन का भी मतलब यही होता है, दया और करुणा की भावना। तो हाउ मेनी स्पाइक्स आर देयर इन अशोक चक्र, कितने स्पाइक्स होते हैं? 24 स्पाइक्स होते हैं, आपने पढ़ा ही होगा। तो वी शैल टॉक अबाउट अशोक इन डिटेल, हम डिटेल में और देखेंगे। सबसे पहले तो है उनके दादा परदादा के बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट वी शैल डिस्कस अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य एंड बिंदुसार, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दादाजी थे और बिंदुसार उनके फादर थे। तो हु बिलोंग टू मौर्यन डायनेस्टी एंड रूल बिफोर अशोक। तो ये मौर्यन डायनेस्टी के साम्राज्य के पहले के राजा थे और ये रूल किया करते थे अशोक से पहले। तो अशोक ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य वास ब्रेव किंग। तो अशोक के जो ग्रैंडफादर थे, मतलब उनके जो दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी क्या थे, बहुत ही ब्रेव किंग थे, है ना, बहुत ही साहसी राजा थे। विद चाणक्य की हेल्प ही डिफीटेड घनानंदा द रूलर ऑफ मगध। तो चाणक्य के साथ में उन्होंने किसे डिफीट किया, घनानंदा। घनानंदा नहीं है, धनानंदा है, इसे पहले वाला चैप्टर में हमने देखा था। यहाँ पे गलत दिया हुआ है, मिस स्पेल्ट हो गया है, मिस यहाँ पे गलत दिया हुआ है, धनानंदा है, ठीक है। तो चाणक्य के हेल्प के साथ उन्होंने धनानंदा जो रूलर मगध का था उसे क्या है हरा दिया। बिसाइड सेवरल नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स ही डिफीटेड सेलिकस निक्टर द जनरल ऑफ अलेक्जेंडर एंड स्टॉप द एडवांसमेंट ऑफ ग्रीक किंग। तो हम लोग अलेक्जेंडर के बारे में इससे पहले वाला चैप्टर में देखा था। तो नॉर्दर्न, तो जैसे एक बिसाइड मतलब इसके अलावा क्या है, बहुत सारे नॉर्दर्न और वेस्टर्न स्टेट से जो हमला हो रहे थे उसमें उन्होंने किसको डिफीट किया, सेलेकस निक्टर को। ये कौन था, जनरल था अलेक्जेंडर का, और उन्होंने सेलेक्टर निक्टर को हटाया और वहां से एडवांसमेंट मतलब जो ग्रीक के किंग्स है वहां से जो आगे बढ़ रहे थे इंडिया में कब्जा करने के लिए उनको वहां पे रोक दिया उन्होंने। लेटर ऑन सेलेकस मेड फ्रेंड्स विद चंद्रगुप्ता एंड सेंट मेगदिनस मेगासदिनस एज हिज मैसेंजर टू मौर्यन किंग। तो लेटर उसके बाद क्या हुआ, सेलेकस जो है वो फ्रेंड बन गया चंद्रगुप्त मौर्य का और उन्होंने अपना एक मैसेंजर, ठीक है, उनके कोर्ट में रखा, उसका क्या नाम था, मेगस दिनिस। चंद्र चाणक्य वास अ ग्रेट राइटर। चाणक्य कौन है, उनका एक जनरल था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जनरल था। तो चाणक्य क्या है, बहुत ही अच्छा राइटर था। ही रोट अर्थशास्त्र, ठीक है, इकोनॉमिक्स,
ठीक है। अर्थशास्त्र किसके बेसिस पे है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिसमें अर्थव्यवस्था के बारे में लिखा जाता है, राजनीति कैसे हो रही है उसके बारे में लिखा जाता है, उसको इकोनॉमिक्स कहा जाता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था है ना, पैसे का लेन देन कैसे हो रहा है, वहाँ राज्य कैसे हो रहा है उसको। तो वेयर ही एक्सप्लेन हाउ अ स्ट्रॉन्ग एंड एफिशियंट गवर्नमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज, और इसमें क्या लिखा गया है, कैसे एक तो अच्छा राज्य है, ठीक है, मजबूत राज्य जो है और जो सबको मतलब सबको सहारा दे, सबका सबका साथ निभाए, ऐसा गवर्नमेंट कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो मैगनीनस हैज डिस्क्राइब्ड इंडिया ऑफ दैट टाइम इन हिज बुक इंडिका। तो मैगनीनस जो है, जो उनके कोर्ट में था, उन्होंने डिस्क्राइब क्या किया है, इंडिया इंडिया को उस टाइम उस समय अपनी जो बुक है इंडिका में उसमें डिस्क्राइब किया है। ही हैज रिटन दैट इंडियन वेयर सिविलाइज पीपल, और उन्होंने क्या लिखा है, इंडियन जो है बहुत ही सभ्य लोग हुआ करते थे। दे वुड नॉट लॉक देयर हाउसेस, मोस्टली दे लिव इन विलेजेस एंड डिड फार्मिंग, सोल्जर्स वेयर पेड वेल एक्सेट्रा। तो वो क्या बताते हैं कि यहाँ पे कोई भी अपने घरों में ताला नहीं लगा के रखता था, लोग इतने सिविलाइज रहते थे, कोई भी चोरी वोरी वाला काम नहीं होता था, और लोग क्या है गांव में रहते थे, और वो पैसा क्या काम करते थे, खेती बाड़ी वाला काम करते थे, और सोल्जर जो है उनको सैलरीज भी दी जाती थी एक बहुत ही अच्छे तरीके से। आता चंद्रगुप्ता ही सन बिंदुसरा बिकेम द किंग, ही एक्सटेंडेड द मौर्यन एम्पायर बाय कॉन्करिंग सेवरल सदर्न स्टेट। तो चंद्रगुप्ता के बाद में चंद्रगुप्ता के बाद में उसका जो बेटा है बिंदुसरा वो राजा बना, और उसके बाद जो है मौर्यन एम्पायर जो है वो उन्होंने जो मौर्यन एम्पायर को कहाँ तक फैलाया, एक्सटेंडेड मतलब कहाँ तक फैलाया, जो सदर्न स्टेट्स है, बहुत सारे जो सदर्न स्टेट्स है वहां पे उन्होंने कब्जा कर करके वहां तक उनको फैलाया। आफ्टर बिंदुसरा अशोक सेट ऑन द थ्रोन, तो बिंदुसरा के बाद में अशोक जो है वो तो अशोक जो है राजगद्दी में बैठा। बाय नाउ द मौर्यन एम्पायर हैज बिग एंड पावरफुल एम्पायर, तो अब जो है मौर्यन एम्पायर क्या बहुत ही बड़ा हो गया और ज्यादा पावरफुल भी हो गया। अशोक टू वाज अ वेरी ब्रेव किंग लाइक हिज फादर एंड ग्रैंडफादर, तो जैसे कि चंद्रगुप्ता मौर्य उसके जो दादाजी थे और उसके जो पापा थे बिंदुसरा, उसके जैसे ही जो अशोक भी क्या था बहुत ही साहसी राजा था। तो ही अटैक्ड ऑन कॉन्कर्ड कलिंगा, तो उन्होंने क्या है कलिंग जो है उड़ीसा में वहां पे हमला किया और उसको क्या है अपने कब्जे में ले लिया, अपने एम्पायर में ऐड कर दिया। तो यहाँ पे अशोक का चक्र, ठीक है, अशोक चक्र जो बोलते हैं बीच में 24 स्पाइक्स होते हैं उसको दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो है कलिंग वॉर के बारे में हमको देखना है, ठीक है, जब अशोक ने कलिंग के ऊपर अटैक किया, उसको कॉन्कर किया, उसकी कहानी हमको देखना है। इट इज यूजुअली सीन दैट किंग्स वेयर हैप्पी व्हेन दे विन अ बैटल, तो ये हमेशा मतलब यही देखा जाता है कि किंग्स जो है वो बहुत खुश होते हैं जब वो एक लड़ाई लड़ते हैं। तो अशोक वॉज नॉट हैप्पी आफ्टर विनिंग द कलिंग वॉर, लेकिन अशोक जो है जो लड़ाई जीतने के बाद है ना, कलिंग की जो लड़ाई है उसने जो लड़ाई की थी उसको जीतने के बाद वो खुश नहीं थे। एज मेनी सोल्जर्स वेयर केयर थाउजेंड्स वेयर वॉन्डर्ड एंड सेवरल वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस वेयर लेफ्ट हेल्पलेस, तो क्या है बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं इसमें क्या है वो मारे गए थे, बहुत सारे थाउजेंड्स मतलब क्या है जख्मी हुए थे, और बहुत सारे जो लेडीज और जो चिल्ड्रन है, ठीक है, वुमेन जो औरतें हैं और जो बच्चे हैं वो क्या है हेल्पलेस हो गए, क्योंकि उनका जो देख रेख करने वाले हैं उनके वुमेन्स के पति हो गए, चिल्ड्रंस के पिताजी हो गए, ये सब क्या है मारे गए, तो बहुत सारे वुमेन्स और चिल्ड्रन क्या है एकदम असहाय हो गए। ऑल दिस मेड हिम फील दैट विनिंग अ वार वाज यूजलेस, और ये सब देखने के बाद उसको ये क्या लगा कि मतलब लड़ाई लड़ना क्या है बिल्कुल बेकार है, यूजलेस है। ही डिसाइडेड टू गिव अप वॉर एंड अडॉप्ट द पार्ट ऑफ पीसफुल कॉन्टेस्ट, तो उसके बाद जो है उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो कभी भी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, है ना, और ये क्या अडॉप्ट करेंगे कि वो एक रिलीजियस एक पीसफुल पाथ अपनाएंगे कॉन्क्वेस्ट का, ठीक है, अपने अंदर जो है राज्य को अपनाने का एक पीसफुल तरीका अपनाएंगे। ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ धम्मा और धर्म टू विन द हार्ट्स ऑफ द पीपल, तो उन्होंने क्या अडॉप्ट किया क्या अपना लिया पॉलिसी धर्म का, ठीक है, ताकि वो लोगों के दिलों में जगह बना के रखे, विच वुड बी बेनिफिशियल फॉर पीपल, और जिससे क्या है लोगों की भलाई भी हो, बेनिफिशियल मतलब भलाई। ही गॉट हिज आइडियाज एंड फीलिंग्स एनग्रेव्ड ऑन रॉक्स सो दैट इट कुड रीच द कॉमन पीपल, और उन्होंने क्या किया जो भी उनके आइडियाज थी जो भी उनकी फीलिंग्स थे उनको क्या है पत्थरों में लिखवा के रखा। अब पत्थर में ऐसे ही तो लिखेंगे नहीं, पत्थर में क्या है थोड़ा सा गड़ा के लिखना पड़ता है, ठीक है, जैसे हम खोद के है ना हल्का हल्का खुदाई करके लिखना, इसको क्या बोलते हैं जब पत्थरों में एनग्रेव करके लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। तो सो इट कुड रीच कॉमन पीपल, ताकि लो जो कॉमन पीपल है उसको वो लिख सके पढ़ सके। तो आई वोंट कलिंगा 8 years आफ्टर बिकमिंग द किंग, तो किंग बनने के 8 साल बाद उन्होंने क्या है कलिंग को जीत लिया। इट हैड मेड मी वेरी सैड वाइज, तो वो बोलते हैं कि मैं इतना दुखी क्यों हूं,
ठीक है, व्हेन एन इंडिपेंडेंट स्टेट इज डिफीटेड, लैक्स ऑफ पीपल देयर डाई देयर एंड ड्रिवन आउट ऑफ देयर स्टेट्स एज प्रिजनर्स, ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स लिविंग देयर आर किल्ड। तो वो क्या बोलते हैं, क्या सोच रहे हैं कि जब एक कोई भी इंडिपेंडेंट स्टेट है, ठीक है, वहां पे वो हार जाता है तो क्या है, लाखों लोग जो है मरते हैं, ठीक है, लड़ाई में। उसके बाद बहुत सारे जो है अपने ही राज्य से बाहर निकाल दिए जाते हैं, उनको प्रिजनर्स बना बंदी बना दिया जाता है, और बहुत सारे जो ब्राह्मण्स और मॉन्ग्स है वो भी वहां पे बेवजह के मारे जाते हैं। दोस फार्मर्स हु बिहेव वेरी पॉलिटी विद पोलाइटली विद रिलेटिव स्लेव्स एंड लेबरर्स आर आल्सो किल्ड एंड आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर डियर वंस। अब वहां पे जो किसान है जो हमेशा अपने जो रिलेटिव है, अपने रिश्तेदार है, अपने जो अपने नीचे जो उनके स्लेव्स होते हैं, ठीक है, गुलाम होते हैं जिनसे वो काम कराते हैं, और जो लेबरर्स होते हैं उनके साथ वो अच्छा बिहेव करते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे मारे जाते हैं और सेपरेट हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं अपने जो डियर वंस है उनसे, अपने जो लोग हैं उनसे। दिस वे वार हैड बैड इफेक्ट्स ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल। तो इसके इससे क्या होता है, अगर कोई भी लड़ाई होती है तो उससे क्या है, बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है, अलग अलग जो लोग है, अलग अलग जो लोग है ना, फार्मर्स हो गए, ब्राह्मण्स हो गया, मॉन्क्स हो गया, सब वुमेन्स हो गया, चिल्ड्रंस हो गया, सब के ऊपर क्या है, गलत प्रभाव पड़ता है। इट मेक्स मी वेरी सैड, आफ्टर दिस वॉर आई हैव फॉलोड रिलीजियस प्रिंसिपल सिंसियरली एंड हैव थॉट अदर्स टू डू सो। अब इस जो लड़ाई के बाद क्या उन्होंने क्या किया है, वो जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स है, वो खुद के रिलीजियस प्रिंसिपल बनाए हुए हैं, उनको वो सिंसियरली मतलब एकदम वफादारी के साथ निभाएंगे और दूसरे लोगों को भी यही करने के लिए करेंगे, यही करने के लिए प्रेरित भी करेंगे। I believe that it is better to win with religion than with war. तो ये क्या बिलीव करते हैं अशोक, कि ये मतलब ज्यादा अच्छा होगा कि वो लोगों का दिल जो है रिलीजन से जीते है ना, rather than लड़ाई करते हुए। आई एम गेटिंग दिस थिंग्स इन ग्रेड सो दैट इवन माई सन्स एंड ग्रैंड सन्स डू नॉट थिंक ऑफ गोइंग टू वॉर। और इसलिए उन्होंने अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी जो बातें हैं, उनको एनग्रेव करा के रखा, पत्थरों में लिखा के रखा, ताकि जो उनके बेटे हैं और उनके जो ग्रैंड सन्स होंगे, पोते होंगे, वो भी कभी लड़ाई मत लड़े। तो अशोक का जो ये जो पॉलिसी है, रिलीजियस प्रिंसिपल, वो क्या था? तो धम्मा ऑफ अशोक के बारे में हमको देखना है। अशोक धम्मा हैड नो गॉड और गॉडेसेस नॉर वेयर एनी यज्ञ और फास्टिंग। तो अशोक का जो धम्मा है, ठीक है, उनके जो धर्म का जो रीति रिवाज है उसमें क्या है, कोई भगवान नहीं है और ना ही कोई यज्ञ होता है, ना ही कोई उपास रखता है, नो पूजा भी, कोई पूजा वूजा भी नहीं होती, नो पूजा वेयर नेसेसरी टू फॉलो धम्मा, और कोई भी पूजा करने की जरूरत नहीं है धम्मा को फॉलो करने के लिए। यू मस्ट बी वंडरिंग हाउ कैन देयर बी धम्मा विदाउट एनी फास्टिंग एंड पूजिंग पूजा। सो आप ये सोच रहे होंगे कैसे कोई धर्म को अपना सकता है, कोई भी मतलब उपास नहीं होना, कोई भी पूजा भी नहीं होना। एक्चुअली द ड्रेडफुल डिस्ट्रक्शन आफ्टर कलिंग वॉर हैड चेंज द थिंकिंग ऑफ अशोक। तो उन्होंने जो ड्रेडफुल मतलब दिल दहलाने वाला जो उन्होंने तबाही देखी वहां पे कलिंग वॉर में, उससे जो है अशोक का जो माइंड है वो पूरा चेंज हो गया। तो यहाँ पे एक अशोक पिलर है, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ग्रेड हुआ, ये पिक्चर में अच्छे से नहीं दिख रही है, ठीक है। अशोक कंसिडर हिमसेल्फ एज द फादर ऑफ हिज सब्जेक्ट। तो अशोक अपने आप को क्या मानते थे, एक पिता के समान मांगते थे, जो उनका जो साम्राज्य के लोग है, उनके जो सब्जेक्ट है, उनकी प्रजा है, उसको वो अपने पिता के रूप में देखते थे। ही यूज टू बी वेरी सैड व्हेन ही वुड सी पीपल टॉकिंग लाइज, डूइंग रॉन्ग डीड्स, using violence against animals and clashing with each other in the name of religion. तो उनको बहुत ही दुख होता था जब वो लोगों को देखते थे, जब लोग जो है झूठ बोलते थे, ठीक है, और गलत काम करते थे, wrong deeds मतलब गलत काम करते थे, अहिंसा करते थे, जो animals है उनके प्रति गलत व्यवहार करते थे, violence करते थे, अहिंसा करते थे, मतलब animals को मारते थे या उनसे गलत काम कराते थे, और clashing मतलब लड़ाई करते थे religion के नाम पे। He thought over these things and felt that as a ruler it was his duty to show the right path to his people. तो ये सब चीजें देखने के बाद उनको ये लगता था कि उनके उनका एक कर्तव्य है, ठीक है, वो एज अ रूलर जो है, अगर वो राजा है तो उनका एक कर्तव्य है कि वो लोगों को सही दिशा में लेके जाए। ही अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स को धर्म महामंत्रा टू इंटरप्रेट एंड इम्प्लीमेंट रॉयल ऑर्डर। तो उन्होंने क्या है, स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट करके रखे थे जो जो उनका जो धम्मा का जो कंसेप्ट है वो लोगों को समझाते थे, इंटरप्रेट करते थे और इम्प्लीमेंट करवाते थे लोगों को, मतलब वो ऑर्डर्स जो मानने के लिए प्रेरित करते थे, ठीक है। ही हैड हिज एडिक्ट्स एंग्रेव्ड ऑन पिलर्स एंड रॉक्स सेट अप इन पब्लिक प्लेसेस ऑल ओवर हिज एम्पायर। और उन्होंने जो है अपना जो
अपना जो एडिक्स है, ठीक है, अपने जो स्पेशल ऑर्डर्स है, एडिक्स मतलब क्या है, स्पेशल ऑर्डर्स है, उनको एनग्रेव करा के रखा था, मतलब खुदवा के रखा था, लिखवा के रखा था, जो पिलर्स एंड रॉक्स है जो पब्लिक प्लेसेस में रखे गए थे। तो यहाँ पे क्या लिखा गया था, नो एनिमल शुड बी किल्ड देयर, नो सैक्रीफाइसेस शुड बी डन। तो मतलब कोई भी जानवर को भी मारा नहीं जाएगा, कोई भी बलि प्रथा नहीं अपनाई जाएगी, नो सैक्रीफाइसेस। मतलब अर्लियर सेवरल एनिमल्स वर किल्ड डेली फॉर रॉयल किचन। और इससे पहले क्या होता था, बहुत सारे जानवर को मारा जाता था किचन में खाना बनाने के लिए, रॉयल किचन में, जो राजा महाराजाओं के लिए। नाउ ओनली 3 और 2 पिकॉक्स एंड अ डियर वी आर किल्ड। और अब जो है सिर्फ 2 या 3 पिकॉक्स को मारे जाते थे और डियर्स को मारा जाता था। इन फ्यूचर इवन दिस विल नॉट बी किल्ड। और फ्यूचर में क्या है, इन्हें भी नहीं मारा जाएगा। इट इज गुड टू ऑबे योर पेरेंट, इट इज गुड टू बी जनरस टूवर्ड्स अवर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड लेबरर्स। तो ये क्या, इसमें सेकंड पॉइंट क्या है कि हमको जो है अपने पेरेंट्स की बात माननी, ओबे मतलब बात माननी, उनका कहना मानना है, और हमेशा जो है अच्छा व्यवहार रखना है, जनरस मतलब अच्छा व्यवहार रखना है अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स और जो हमारे साथ जो काम करने वाले हैं उनके लिए, और हमारे नीचे जो काम करने वाले। इट इज गुड टू स्पेंड लिटिल एंड सेव लिटिल। तो उनका ये भी मतलब मानना था कि थोड़ा सा खर्चा करें और थोड़ा सा बचा के भी रखें। People perform various ceremonies on several occasions. Such ceremonies should be performed, but they give little benefits. So वो बता, ये भी बोल रहे हैं कि लोग जो है बहुत सारी ceremonies, ठीक है, बहुत सारे आयोजन करते हैं, ठीक है, अलग अलग occasion हो गया, जैसे अगर किसी का बर्थ हुआ तो कुछ ceremony होती है, शादी हो रहा है तो ceremony हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके की जो ceremony होती है वो क्या है, लोगों को बहुत ही कम benefit देती है, तो इससे लोगों का फायदा कम होता है। There are certain traditions which give more benefit, which are these? और कुछ जो ऐसे certain कुछ ट्रेडिशन है वो जो लोगों को ज्यादा बेनिफिट देते हैं, तो क्या चीज है वो, दे आर टू रेस्पेक्ट एल्डर्स, ट्रीट सर्वेंट्स एंड स्लेव्स पोलाइटली, नॉट टू बी क्रूअल टू द एनिमल्स, गिव चैरिटी टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स एक्सेट्रा। तो ये सेरेमनीज परफॉर्म करने के बजाय वो क्या बोलते हैं कि हमको जो अपने बड़े हैं उनका आदर करना चाहिए, जो हमारे अंदर जो सर्वेंट्स और स्लेव्स हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उसके साथ पोलाइटली मतलब बहुत अच्छे से बात करना चाहिए, और हमको जो एनिमल्स जो है उनमें कोई क्रुएलिटी नहीं दिखानी चाहिए, उनके प्रति जो है कोई भी गलत गलत काम नहीं करना चाहिए, एनिमल्स को लेके ना एकदम नॉन वायलेंस नहीं करना चाहिए एनिमल्स के साथ में, और चैरिटी देनी चाहिए ब्राह्मण्स और मॉन्क्स को। यूज कॉन्स्टेंट्स वाइल स्पीकिंग योर रिलीजन। तो मतलब हमको थोड़ा सा ठहराव लगा के हमारे रिलीजन को के बारे में बात करनी है, ठीक है, कुछ कुछ चीजें हमको बतानी है, और कुछ चीजें अगर बताने लायक नहीं है तो उनको नहीं बताना है, ठीक है। कॉन्स्टेंट मतलब हमको कुछ रूल्स रखने हैं अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए। टू एक्सकर्ग्रेट द गुडनेस ऑफ योर रिलीजन एंड क्रिटिसाइज अदर रिलीजन। मतलब क्या करना है हमको, हमको रोक के रखना है, मतलब हमको जो हमारे जो रिलीजन है, ठीक है, उसके अच्छाइयों को बताना है, और अदर जो रिलीजन है उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है, ठीक है। ये दोनों क्या है, गलत तरीका है, ठीक है। तो एक्सट्रगेट टू एक्सट्रगेट द गुडनेस ऑफ योर रिलीजन, मतलब बढ़ा चढ़ा के बताना, हमारा अगर रिलीजन है, ठीक है, जैसे मैं हिंदू धर्म की हूँ तो मैं अपने हिंदू धर्म को क्या है एकदम बढ़ा चढ़ा के बताऊंगी किसके बाद, तो ये क्या है, गलत है, और क्रिटिसाइज करूंगी। अगर कोई मेरे सामने मुस्लिम है तो उसका जो रिलीजन है उसको मैं आलोचना करूंगी, तो ये दोनों चीज क्या है, गलत है, ठीक है, दोनों चीज क्या है, गलत। एट एवरी प्लेस एट एवरी ओकेशन वन शुड शो रेस्पेक्ट टू अदर कम्युनिटीज, बिकॉज इफ दिस इज डन देन योर कम्युनिटी राइजेस एंड अदर कम्युनिटीज आर आल्सो बेनिफिटेड। तो उनका ये कहना था कि हर एक जगह में, हर कोई कोई भी समारोह है, ओकेशन है, तो हमको क्या है, दूसरी जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको क्या है, रेस्पेक्ट देना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया मैं हिंदू कम्युनिटी की हूँ, तो अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी मेरे सामने है तो उनको मेरे को रेस्पेक्ट देने की बात करनी है, ये नहीं कि उनको नीचा दिखाने के लिए कोई कोशिश करना, इस का काम हमको नहीं करना है। तो इससे क्या है, हमारी कम्युनिटी का भी मान बढ़ेगा और जो अदर कम्युनिटीज है उनकी भी इज्जत बढ़ेगी और उनको भी फायदा होगा। अशोक हैड गॉट दिस एडिक्ट्स एनग्रेव्ड इन पारकृत लैंग्वेज। तो उस समय जो है पारकृत लैंग्वेज जो है जो कॉमन पीपल बोला करते थे उस लैंग्वेज में जो है उन्होंने जो एडिक्ट्स है जो अपने ऑर्डर्स है उनको भी एनग्रेव करा के रखा। तो यहाँ पे हमको एम्पायर देखना है अशोक का, तो कहाँ से कहाँ तक एम्पायर फैला हुआ है। तो ये जो तक्षशिला वाला एरिया है यहाँ से देखिए, और ये पाटलिपुत्र उनका कैपिटल हुआ करता था, ये तुसाबी है, ठीक है, हर एक रीजन में, ये नॉर्थ रीजन में है, ये ईस्ट रीजन में है, उज्जैनी जो है वेस्ट रीजन में है, सुवर्णगिरी ये है साउथ रीजन में, ये तो ये सब लोकेशन है जहां से जो ये पूरा एम्पायर को पूरा कब्जा करके ये एम्पायर को चलाया जाता था, इतने बड़े एम्पायर को। तो आगे हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कैसे हुआ करता था। इन वेब 7.1 यू सॉ हाउ लार्ज वाज
अशोक एम्पायर था, में हम देखा कितना बड़ा एम्पायर है अशोक का, हिज कैपिटल वॉज पाटलिपुत्र। तो मैंने बताया आपको पाटलिपुत्र का कैपिटल था, इट वॉज नॉट ईजी टू रूल सच ए लार्ज किंगडम। भाई एक जगह बैठ के मतलब पाटलिपुत्र में अगर किंग बैठ जाएगा और वहां से सोचेगा कि मैं सारा जो इतना बड़ा किंगडम हूँ वहां पर रूल कर लूंगा, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, तो ये इजी नहीं था कि इतना बड़ा किंगडम को एक ही जगह से हैंडल कर सके। तो ही वॉज असिस्टेड बाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉल मंत्री परिषद। तो उसके पास जो है काम करने के लिए, इतना बड़ा एम्पायर को चलाने के लिए उसको असिस्ट किया करते थे, उनका साथ दिया करते थे कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या कहा जाता था? मंत्री परिषद। द लार्ज एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू फोर प्रोविंस। ये जो बड़ा सा एम्पायर है उसको चार भागों में बांटा गया, चार प्रोविंस में बांटा गया। टैक्सिला इन नॉर्थ, जो मैंने बताया सुवर्णनगरी इन साउथ, एंड तोशाली इन ईस्ट, एंड उज्जैनी इन वेस्ट। मैंने आपको मैप में अभी दिखाया। तो ईच प्रोविंस वॉज प्लेस्ड अंडर ए गवर्नर कॉल्ड कुमारा, हु वॉज यूजुअली द मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली। तो ये जो अलग अलग जो प्रोविंस है, ठीक है, चार प्रोविंस जो है उसको किसके अंडर रखा गया था? गवर्नर के अंडर रखा जाता था, जिसको क्या कहा जाता था? कुमारा। और ये कुमारा कौन होते थे? मेंबर होते थे जो रॉयल फैमिली है, जो किंग है उन्हीं के ही परिवार के कोई हुआ करते थे। देयर वर सेवरल ऑफिसर्स हु असिस्ट देम इन देयर वर्क एट द सिटी एंड विलेज लेवल। और यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स हुआ करते थे जो उनको उनका साथ देते थे, असिस्ट करते थे उनको जो उनका काम है उसमें, ठीक है, सिटी और विलेज लेवल में। दे वुड कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, आर्टिशियंस, बिजनेसमैन, एंड वुड पनिश दोज हु डिसओबे द ऑर्डर ऑफ द किंग। तो ये लोग क्या करते थे, ये जो अदर जो ऑफिसर थे, ये क्या करते थे? टैक्सेस कलेक्ट करते थे फार्मर से, ठीक है, किसान से, आर्टिशियंस आर्टिस्ट हो गए उनसे, बिजनेसमैन जो जो बिजनेस करने वाले हैं, व्यापार करने वाले हैं, और उनको पनिशमेंट भी देने का काम इनका ही रहता था। क्या पनिशमेंट? कौन पनिशमेंट? जो किंग्स के ऑर्डर को नहीं मानता उनको पनिशमेंट दिया जाता था। बिसाइड देम देयर वेयर अदर सीनियर ऑफिसर्स टू हु वेयर कॉल्ड महामंत्रा। तो इसके इनके अलावा जो है यहाँ पे कुछ सीनियर ऑफिसर्स भी हुआ करते थे जिन्हें क्या कहा जाता था? महामंत्रा। They would tour the entire kingdom and see the administration. तो ये लोग जो है टूर में जाया करते थे, मतलब पूरे जो किंगडम है वहां पे घूम घूम के देखा करते थे कि ठीक से एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं। अशोक हिमसेल्फ वुड ट्रैवल ट्रैवल टू इंटीरियर विलेजेस टू कीप एन आई ऑन द वर्क ऑफ ऑफिसर्स एंड टू नो रियल कंडीशन ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। तो अशोक जो है वो खुद भी जो है ना, अब एकदम किंग है तो किंग तो एकदम खुले से नहीं जाएंगे, चोरी छुपे जाके जो इंटीरियर विलेजेस हैं, जो इंटीरियर विलेजेस हुआ करते थे वहां पे जाके वो देखा करते थे कि हाँ ठीक से मेरा राज्य चल रहा है कि नहीं, वहां पे लोग जो है, जो उनकी जो प्रजा है उनकी कंडीशंस क्या है, वो खुश है कि नहीं, ये सारी चीजें वो देखा करते थे। ही गॉट सेवरल रोड्स बिल्ट विद शेडी ट्रीज ऑन आइदर साइड, सेवरल हॉस्पिटल्स एंड इन स्वेयर बिल्ट एंड मेनी वेल्स बिल्ट। तो बहुत ही अच्छा अच्छा काम भी किया अशोक ने, उन्होंने बहुत सारे रोड्स अच्छे से बना के रखे ताकि जो भी चलने वाले लोग हैं, जो भी व्यापारी है और जो भी आगे मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं उनको मतलब हमेशा सहूलियत रहे। तो उन्होंने बहुत सारे रोड्स बनाए, रोड्स के किनारे उन्होंने बड़े बड़े पेड़ लगवाए जिससे रोड्स में छांव रह सके, क्योंकि उस समय गाड़ियां तो हुआ नहीं करती थी, लोग पैदल ही जाते थे या तो फिर जानवर के ऊपर रह के जाते थे या बैलगाड़ी में जाते थे, तो काफी समय लगता था। तो रोड्स बनाए, रोड्स के बाजू में सब साइड्स में ट्रीज लगाए, शेडी ट्रीज मतलब छांवदार वृक्ष लगाए और दोनों साइड्स में, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए, इंस बनाए, इंस मतलब जैसे होटल्स होते हैं उन्हें को इंस बोलते हैं, मतलब होटल टाइप की जगह जहाँ पे लोग रुक सके, तो उनको खाना पीना मिल सके, और बहुत सारे कुएं ताकि कोई प्यासा ना रह सके। तो कैन यू कॉल एनी अदर किंग लाइक अशोक हैड वर्क फॉर बेनिफिट ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे हम आगे भी और बहुत सारे किंग्स के बारे में देखेंगे, तो आपको ऐसा कोई भी नहीं किंग मिलेगा जो इतना सारा जिन्होंने काम किया होगा अपनी प्रजा के लिए। तो अशोक फॉलोड बुद्धिज्म बट ही गेव रेस्पेक्ट एंड डोनेशंस टू ऑल रिलीजन। तो अशोक जो है वो किसको फॉलो करते थे? बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। बुद्धिज्म के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा था, लेकिन वो हर जो रिलीजन है उसको रेस्पेक्ट देते थे और डोनेशंस भी दिया करते थे। ही वुड आस्क हिज पीपल टू लिसन टू and respect other religion. तो वो जो है दूसरे जो लोग हैं उनको भी यही बोलते थे कि आप भी जो है दूसरे religions को के बातों को सुने, उनको respect करें। अशोक encouraged artists और artists जो है उनको भी बढ़ावा देते थे। The figure of four lions on the government documents and currency belong to Ashok time. जैसे कि हमने ऊपर जो सारनाथ वाला जो देखा, तो उस तरीके का जो figure है वो आपको government documents में भी मिल जाएगा, और अगर आप
ध्यान से जो है नोट्स वगैरह देखेंगे, तो नोट्स में भी कई जगह अशोक जो है जो उनका जो है वो भी आपको दिखेगा। इवन टुडे वी आर रिमाइंडेड ऑफ अशोक व्हेन वी सी द स्टैचूज एंड स्टोन पिलर्स एंड सारनाथ एंड अदर प्लेसेस। तो अभी भी हम जो है किंग अशोक को याद करते हैं जब हम बहुत सारे जो स्टैचूज और स्टोन पिलर्स देखते हैं, जैसे सारनाथ में बहुत सारे जगह है जिसको अशोक ने बनवाया है, तो उससे हमको पता चलता है। द मौर्यन डायनेस्टी कंटिन्यूड फॉर अबाउट 50 ईयर्स आफ्टर अशोक, देन इट वॉज रिप्लेस बाय सेवरल स्मॉल किंगडम। तो मौर्य डायनेस्टी जो है कब तक कंटिन्यू हुआ, 50 साल तक, 50 ईयर्स अशोक के बाद भी, और उसके बाद जो है छोटे छोटे किंगडम्स में क्या है टूट के रह गया। अशोक से सारनाथ पिलर हैज बीन अडॉप्टेड एज अवर नेशनल एम्बलम बिकॉज अशोक मैसेज स्टैंड फॉर स्पेशल सिग्निफिकेंस ऑफ लव, पीस, कंपैशन एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। तो अशोक का जो सारनाथ पिलर है वो क्या है, हमारा नेशनल एम्बलम है, आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा। और अशोक जो मैसेज देता है वो क्या है, क्यों, क्योंकि जो सारनाथ पिलर जो मैसेज दिया गया है वो किसका प्रतीक बनता है, स्पेशल सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस दिया गया है उसमें, जो मैसेज है उसमें कि हमको सबके प्रति प्रेम भाव रखना है, हमें शांति प्रिय होके रहना है, दूसरों के प्रति दया भावना रखना है, कंपैशन रखना है, और सारे जो रिलीजन है उसको रेस्पेक्ट करके रखना है। तो यहाँ पे हमने देखा पूरी कहानी, देखी हमने किंग अशोक के बारे में, कितने अच्छे राजा थे ये। तो आपको सब समझ में आया होगा, अगर वीडियो लेक्चर समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है तो भी आप दे सकते हैं। और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर वीडियोस नहीं पसंद आते हैं तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।